नहीं नहीं बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कंटेंट हमने पढ़ना है ना, ये कंटेंट आपके सामने है। डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल की दो टाइप्स हैं, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट एंड प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड। फिर प्रोजेक्टाइल के तीन करेक्टरिस्टिक्स, उसका हाइट, उसका टाइम और उसकी रेंज हम पढ़ेंगे। और एंड पे एक छोटा सा टॉपिक, छोटी सी डेफिनेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये डेफिनेशन टिल एंड ऑफ द टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और इसी डेफिनेशन की बेस पर चलना है ये सारा टॉपिक। नंबर वन, कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज हाउ मेनी डायमेंशनल? टू डायमेंशनल। इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ये सिंपल सा रिलेशन आपने याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो ड्यू टू ग्रेविटी होती है। अब टू डायमेंशनल मोशन से पहले हम वन डायमेंशनल मोशन को रिकॉल कर लें। अगर कोई बॉडी एक रोड पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यानी अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है तो ये वन डायमेंशनल मोशन है अलोंग एक्स एक्सिस। अगर कोई पार्टिकल फ्रीली फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ तो ये वन डायमेंशनल मोशन है टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ये दोनों है वन डायमेंशनल। लेकिन टू डायमेंशनल क्या है कि एक पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। सब इसमें दोनों डायमेंशन इन्वॉल्व होगी। सेम इसी तरह एक पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, तो दैट इज अगेन हाउ मेनी डायमेंशनल? टू डायमेंशनल। तो इन शॉर्ट कि टू डायमेंशनल मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें आप फर्स्ट केस देख ले सकते हैं, तो इसमें अभी जो हमने ऊपर एक कैटेगरी पढ़ी कि प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, तो यहां आप किसी छत पे खड़े हो जाएं और छत पे खड़े होकर एक बॉल को बिल्कुल स्ट्रेट थ्रो कर दें, तो बॉल विल फॉलो दिस काइंड ऑफ पाथ। ये बॉल आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। फिर इसी तरह अगर हम किसी झील या नदी के किनारे जाएं और उसका पानी बहुत ठहरा हुआ हो, तो हमारा सबसे पहले दिल यही करता है कि हम नीचे से एक पत्थर उठाएं और उस पत्थर को बिल्कुल दूर कहीं नदी के दरमियान में फेंकें और वो रिपल्स बनते हुए देखें जो नदी में प्रोड्यूस होंगे। तो हमारे जो स्टोन का पाथ होगा वो बिल्कुल इसी शेप में क्रिएट होता है, और इस पाथ को बच्चों हम नाम देते हैं पैराबोलिक पाथ। ज्योमेट्री में जैसे सर्कल एक शेप है, लाइन एक शेप है, एलिप्स एक शेप है, इसी तरह ये जो शेप आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कौन सी शेप कहलाएगी? पैराबोलिक शेप। तो आपको सवाल आएगा द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज, तो यू विल आंसर पैराबोलिक शेप। तो ये दो टाइप्स हैं जो हमने पैराबोलिक मोशन में पढ़नी है। अब याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल कितने डायमेंशनल मोशन है? टू डायमेंशनल है। अब टू डायमेंशनल के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, यू डोंट नीड टू फॉरगेट सच थिंग्स। सबसे पहली बात कि ये अगर हम जमीन पे एक फ्लैट सरफेस एज्यूम कर लें और यहां पर एक ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली छोड़ दें, तो जहन में रखें कि इसका कोई मोशन नहीं होगा अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि देर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन अगर काम कर रही है, वर्क कर रही है, तो एक्सेलरेशन इज वर्किंग अलोंग वाई एक्सिस एंड दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एलिफेंट की बातें याद रखनी, ठीक है? ये जो स्क्रीन पर आपको जो चीजें बताई जा रही हैं, ये एक एक बात याद रखनी है, ये हर बात आगे स्लाइड्स में काम आनी है आपके। सबसे पहली बात कि फर्दर जहां कहीं भी बच्चों एक्सेलरेशन आएंगी तो एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन जीरो कंसीडर होगी और वाई एक्सिस की एक्सेलरेशन जी कंसीडर होगी। उसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्क्वायर, और टू ए एस इक्वल्स टू माइनस वी आई स्क्वायर। अब इन सारी इक्वेशंस में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है बच्चों, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई होती हैं तो सिर्फ वन डायमेंशन पर, अप्लाई होती हैं तो एट अ टाइम वन डायमेंशन में। यानी या बॉडी लीनियरली वर्टिकल एक्सिस में फॉल कर रही हो या बॉडी लीनियरली हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव कर रही हो, तो तब आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्टाइल कितने डायमेंशनल है? टू डायमेंशनल। तो हम टू डायमेंशंस पे इसे कैसे अप्लाई करेंगे? एक बड़ा सिंपल सा हिंट है, गौर से सुनना है। टू डायमेंशंस में एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हैं, तो हम इन इक्वेशंस को एक मर्तबा एक्स एक्सिस पे अप्लाई करेंगे और एक मर्तबा
वाई एक्सिस पे, यानी दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी कि ये टू डायमेंशंस पे अप्लाई भी हो जाएंगे, और एट अ टाइम कितने डायमेंशंस पे अप्लाई होंगे, वन डायमेंशंस पर। तो फिर याद रखना है, डू नॉट फॉरगेट अगेन आई एम सेइंग कि इक्वेशंस ऑफ मोशन एट अ टाइम कितनी डायमेंशंस पे अप्लाई होती, वन डायमेंशन पे, लेकिन प्रोजेक्टाइल कितने डायमेंशनल है। तो उसका हल हम क्या निकालेंगे कि हम दोनों डायमेंशंस पे अलग अलग अप्लाई करेंगे इन इक्वेशंस को। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पिछले चैप्टर में आप लोग वेक्टर्स पढ़ के आए, कोई भी वेक्टर अगर हमारे पास लेट से वी है और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा हो, तो फिर हम उसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ये उसका वाई कंपोनेंट जो बराबर होता है वी वी साइन थीटा के, कॉस थीटा नहीं साइन थीटा, और ये उसका एक्स कंपोनेंट जो बराबर होता है वी कॉस थीटा के, याद आ जाएगा। और अगर हमने ये थीटा फाइंड करना हो तो टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, इसको हम वी वाई ओवर वी एक्स भी पढ़ सकते हैं। सो इस सारी स्लाइड से जो बातें हमने आगे लेकर जानी है, पहली बात ए एक्स क्या रहेगा, एक्शन में आएगा तो सिर्फ ए वाई, जहां एक्सेलरेशन जीरो होती है, जहां एक्सेलरेशन वहां दो कंडीशंस होती है, या तो बॉडी रेस्ट पे होती है या उसकी स्पीड क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। और दूसरी बात, जहां एक्सेलरेशन मौजूद हो वहां स्पीड इंक्रीज भी कर सकती है और स्पीड डिक्रीज भी कर सकती है। दूसरी बात, वेक्टर्स, कोई भी वेक्टर बनेगा और एंगल थीटा क्रिएट करेगा तो उसका एक वाई कंपोनेंट होगा और एक एक्स कंपोनेंट, वाई के साथ साइन आएगा, एक्स के साथ कॉस आएगा। तीसरी बात, इक्वेशंस ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशंस एट अ टाइम सिंगल डायमेंशन पर अप्लाई होती, प्रोजेक्टाइल टू डायमेंशनल है तो हम दोनों डायमेंशंस को अलग अलग डील करेंगे, एक्स को अलग करेंगे वाई को अलग करेंगे। तो अब हम अपने पहले हिस्से पर आते हैं, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट। तो नंबर वन, ये आपके सामने एक हाइट मौजूद है h, इसको आपकी बुक में y से डिनोट किया गया है, ठीक है। बहुत केयरफुली एक एक बात सुननी है, हम एक प्रोजेक्टाइल को, हम एक बॉल को बिल्कुल स्ट्रेट थ्रो कर रहे हैं बाय गिविंग एन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड वी कॉल दैट वेलोसिटी टू बी वी एक्स। हमने ऑब्जेक्ट को ना थोड़ा सा भी ऊपर थ्रो किया है ना थोड़ा सा भी नीचे थ्रो किया है, इसका मतलब है कि हमने प्रोजेक्टाइल को कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी अलोंग वाई एक्सिस, सो वी आई वाई विल बी टेकन एज जीरो, बट वी आई एक्स विल नॉट बी टेकन टू बी जीरो। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 20 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 100 मीटर पर सेकंड भी हो सकती। तो ये कंडीशन याद रखनी है कि जब हम हाइट से थ्रो कर रहे हैं तो हम कोई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दे रहे, वी आई वाई क्या रहेगा, जीरो रहेगा, बट हमने उसको इनिशियल एक्स वेलोसिटी तो प्रोवाइड की है। अब उसके बाद क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे तो नहीं चला जाएगा, इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ, कि ये वक्त के साथ साथ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कहां आएगा, जमीन की तरफ आएगा। अच्छा जी, जमीन की तरफ आ गया तो जमीन पर आते आते जी इसने कितना फासला तय किया अलोंग एक्स एक्सिस, कितना फासला तय किया अलोंग वाई एक्सिस। उसके लिए मैंने आपको हल क्या बताया था, हम क्या यूज करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। बट हम जिस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, अब इस पर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्क्वेयर। अब हमारी मजबूरी यह है कि हम एक वक्त में एक एक्सिस पर इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसी इक्वेशन को, अब देखे मैं क्या कर रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस वन ओवर टू ए एक्स टी स्क्वेयर। क्या किया मैंने, पूरी डिस्टेंस इक्वेशन को एक्स एक्सिस में चेंज कर दिया। सेम इसी तरह पूरी डिस्टेंस इक्वेशन को वाई इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस वन ओवर टू ए वाई टी स्क्वेयर। कोई मुश्किल तो नहीं इस बात को समझने में। अब एक्स एक्सिस पे आते हैं, यहां पर हम एक्स लिखते हैं, वी आई एक्स को हमने वी एक्स कंसिडर किया हुआ और टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि हमारे पास 1 ओवर 2 ए एक्स की वैल्यू पिछली स्लाइड में मैं क्या बता कर आया हूं, जीरो। तो वही स्लाइड अब यहां पे काम आनी है कि ए एक्स को क्या पुट करना है, जीरो। तो देखें फाइनली बच्चों हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, वी एक्स इंटू टी। तो अपनी बुक पर पहली इक्वेशन देखें, यही डिराइव्ड है,
x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टाइम। तो इसकी डेरिवेशन किस इक्वेशन से हुई है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। और दूसरी तरफ y एक्सिस पर आ जाए तो पूरी तवज्जो पूरा ध्यान इधर y लिखेंगे। क्या हमें v i y लिखने की जरूरत है? ऊपर हम बता कर आए ना कि v i y तो जीरो है। अच्छा जी, 1/2 लिखेंगे a y की जगह पर, g लिखेंगे और फिर t स्केयर लिखेंगे। तो यहां से देखें हमें y की इक्वेशन भी मिल गई और आपके फर्स्ट पेज पे जो सेकंड इक्वेशन है वो देखें यही लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। ऑल क्लियर। तो पहली स्लाइड में हमने क्या फाइंड किए हैं? डिस्टेंसेस। डिस्टेंस के जब ऑब्जेक्ट को जितनी भी वेलोसिटी दी गई, अब देखें ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो ये ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ज्यादा x डिस्टेंस कवर करेगा, ज्यादा हाइट से थ्रो करेंगे तो y डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमने चंद बातें रिकॉल करके अच्छी तरह जहन में बिठा के आगे बढ़ना है। अच्छा, इस इक्वेशन से मैं टाइम की इक्वेशन बना रहा हूं, t इज इक्वल टू √2y/g। बन सकती? अगर हम 2 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करें और g को इधर डिवाइड कर दें, फिर टाइम के ऊपर तो स्क्वेयर है, स्क्वेयर खत्म करने के लिए हमें स्क्वेयर रूट या अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये टाइम की इक्वेशन बन जाएगी। तो तीन इक्वेशंस लेकर हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, x इज इक्वल टू वी टी, y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। और अगर आपको y से मसला हो तो आप इसे h भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और टाइम फाइंड करना हो तो √2y/g भी कर सकते हैं और 2h/g भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग अपने बुक्स पर न्यूमेरिकल नंबर 3.12 यानी 12th न्यूमेरिकल निकालें। ट्वेल्थ न्यूमेरिकल है बच्चों के, एक बॉम्बर कितनी हाइट से? 490 मीटर। एक बॉम्ब को ड्रॉप करता है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई या वी आई एक्स कह लें, वो है 300 किलोमीटर पर आवर। तो वी आई एक्स अगर इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 300 को 3.6 पे आपने डिवाइड करना है, आपका 83.3 आंसर आएगा और उसके साथ आपने लिख देना है मीटर्स पर सेकंड। ये है मेथड टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। पहला तकाजा सवाल का ये है कि हाउ लॉन्ग वॉज इट इन एयर, ये कितनी देर हवा में रहा, यानी टाइम फाइंड करना। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली ब्लो द बॉम्बर एट द इंस्टेंट द बॉम्ब वॉज ड्रॉप, यानी कितने फासले पर जो बॉम्ब है वो गिराया गया, एक्स फाइंड करना है। अब बॉम्ब इस तरीके से गिरेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशंस कौन कौन सी, ऊपर जो हम पढ़ गए हैं, पहली इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। इसमें हमें वी एक्स तो पता है, टाइम नहीं पता कि वो कितनी देर हवा में रहा है। और टाइम के लिए भी एक और इक्वेशन में पढ़ी थी √2h/g। तो लें जी यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, √2, हाइट कितनी है 490 डिवाइडेड बाय 9.8, तो टाइम आपका एग्जैक्ट 10 सेकंड आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपने खुद कर भी लेना है ये न्यूमेरिकल। अब टाइम आ गया हमारे पास तो क्या हम एक्स फाइंड कर सकते हैं? एक्स कितना है? 83.3। टाइम कितना है? 10। तो बुक पे देखें आंसर 833 मीटर्स दिया हुआ। ठीक है कि जहां पर बॉम्ब जहां से ड्रॉप किया गया था वर्टिकली जिस पॉइंट से जिसे ऊपर से बॉम्ब उससे 833 मीटर्स दूर जाकर गिरा। अब ये जो हमारी हाइट है 833, ये जो हमारा सॉरी डिस्टेंस है 833, ये हमारी हाइट से ऑलमोस्ट डबल है, ऐसे ही है ना। तो इसका पक्का मतलब ये है कि यहां पे लिखा हुआ ना डिड इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो पहली बात तो ऑब्वियस है कि उसने ग्राउंड पे तो गिरना ही गिरना, लेकिन चूंकि उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हाइट से कई दो गुना ऑलमोस्ट ज्यादा कवर किया है तो फिर तो श्योरिटी है कि वो जमीन तक लाजमी पहुंचा है, वो हवा में तबाह नहीं हुआ। तो आपका ये था 12th न्यूमेरिकल जो आपकी पहली दो इक्वेशन से सॉल्व होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने दो डिस्टेंसेस फाइंड किए अभी, एक एक्स डिस्टेंस और एक वाई डिस्टेंस। चले आगे।
अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट सेम यही डायग्राम बट विद अनदर हेडिंग दैट व्हाट विल बी द वेलोसिटीज। अगेन वही कंसिडरेशन लेकर चलेंगे हम कि वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एक्स बट वी आई वाई इज इक्वल टू जीरो। बट वी वॉन्ट टू नो कि आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, क्या होगी फाइनल एक्स वेलोसिटी और क्या होगी फाइनल वाई वेलोसिटी। नाउ देयर इज अनदर क्यूरियोसिटी कि ठीक है, शुरू में तो सिर्फ एक्स वेलोसिटी है, ध्यान पूरा इधर सामने, शुरू में सिर्फ और सिर्फ एक्स वेलोसिटी है और वाई वेलोसिटी क्या है, जीरो है। लेकिन अगर पार्टिकल थोड़ी देर बाद नीचे की तरफ मूव किया है तो ऑब्वियसली इसकी वाई वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई है, और जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है ये वाई वेलोसिटी क्या करती जा रही, इंक्रीज करती चली जा रही। सो हम वेलोसिटीज की इक्वेशन का सहारा लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और अपनी आसानी के लिए हम इसको अलग अलग अप्लाई करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के इसको लिखेंगे वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स इंटू टाइम, और y के लिए लिखेंगे वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ऑल ओके, चूंकि इक्वेशन हम एट ए टाइम एक ही डायमेंशन पे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए एक x पे अलग अप्लाई करनी और y पे अलग अप्लाई करनी। नाउ वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, आगे कुछ लिखने की जरूरत है, ए एक्स ने क्या हो जाना, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी वही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कौन सी थी, इनिशियल। इसको और आसान करके समझना है, अगर प्रोजेक्टाइल इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया था, कितने से, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग, तो इक्वेशन हमें बता रही है कि वक्त के साथ साथ इस वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, अलोंग एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी चेंज होगी ही नहीं। और उसकी वजह मैं ऊपर बता कर आया हूं कि जहां एक्सेलरेशन जीरो होती है वहां या तो बॉडी रेस्ट पे रहती है या उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहती है। तो हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस द वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं और रिमेन्स यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। ऑल ओके, बट ऑन द अदर हैंड वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई क्या हो जाएगा, ए वाई की जगह पर और साथ। अब यहां पर बात थोड़ी सी अलग है, बात यूं अलग है कि जब पहला सेकंड गुजरेगा तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 10 हो जाएगी, जब दूसरा सेकंड गुजरेगा तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तीसरे सेकंड के बाद, तो ये तो यूनिफॉर्म नहीं रही, ये तो मुसलसल क्या कर रही है, चेंज हो रही है। तो अगर हम बॉडी के डिफरेंट इंटरवल्स बनाएं तो यहां पर वाई वेलोसिटी थोड़ी कम है, यहां पर वाई वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, यहां पर और ज्यादा होगी, और इस पॉइंट पर आकर वाई वेलोसिटी या फाइनल वाई वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। बट इन ऑल दैट केस द वी एफ एक्स विल रिमेन सेम। तो प्रोजेक्टाइल में कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता, कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और कौन सा चेंज होता है, वाई कंपोनेंट। और कैसे चेंज होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना टाइम गुजरता जाएगा उसकी वैल्यू भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। अब वेक्टर्स पे मुझे बताएं मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं ना, v इज इक्वल टू वी एफ एक्स स्केयर प्लस वी एफ वाई स्केयर। ऑल ओके, वेक्टर ए हो तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो जागते रहना है, देखते रहना है। यहां पर अगर मैं लिखूं वी आई एक्स स्केयर प्लस जी टी स्क्वेयर, तो इसको हजम करें कि ठीक लिखा है मैंने, वी आई एक्स स्केयर, ठीक है, वी आई एक्स स्क्वेयर, तो वैसे ही हमने पुट कर दिया क्योंकि फाइनल वाई एक्स में और इनिशियल एक्स में कोई फर्क नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर हमें शुरू में 21 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी हो
तो हम इसकी जगह पर 21 भी लिख सकते हैं क्योंकि x वेलोसिटी रिमेंस सेम। और vf y की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, gt, और उसके ऊपर भी क्या आएगा। और फिर एक सवाल, क्रिटिकल सवाल, अगर ये टाइम फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, टाइम फाइंड करना हो तो वही करेंगे जो पहले किया है, अंडर रूट 2h ओवर g। तो व्हाट वी हैव लर्न सो फॉर द वेलोसिटीज। और अगली बात मजे की ये है कि आपकी बुक में वेलोसिटीज की इस कैटेगरी में डेरिवेशन नहीं है, ये आपको बोनस में चीजें पढ़ाई गई हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन क्यों पढ़ाई गई हैं, वजह उसकी वजह है आपका न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 11 निकाल के, बुक वाले हमें चीजें कम बताते हैं और पूछ ज्यादा लेते हैं, तो ये मासूम से बच्चे हैं, आई मीन इनकी जिंदगी खराब हो जाती, ठीक है ना। लेकिन हमें जिंदगी आसान करनी है। तो इक्वेशन 3.11 है जी न्यूमेरिकल, कि अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो साथ साथ देखते जाना है, सुनते जाना है, समझते जाना है। हाइट कितनी दी है, 10 मीटर। लें जी एच यहां पर हम लिख लेते हैं 10 मीटर। विद वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां पर इसकी जो वी एक्स वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 21 मीटर पर सेकेंड। अब आपको याद हो मैंने 21 का वर्ड अभी पहले यूज किया, और यही समझाने के लिए कि ये जो x वेलोसिटी है ये फाइनली भी यही रहेगी, 21 ही रहेगी। हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड, ये कितनी दूर जाकर ग्राउंड को हिट करेगी, यानी x फाइंड करना है, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, और कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी। अब x फाइंड करना तो आपके लिए मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप x को vx into time से फाइंड कर सकते हैं, आप x को vx यानी 21 मल्टीप्लाई बाय टाइम से फाइंड कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज टाइम। तो हाउ टू फाइंड द टाइम, अंडर रूट ओवर जी। अब हाइट गिवन है ना 10, तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे आपका जवाब आएगा 1.4 सेकेंड्स, और फिर आप वापस जाएंगे x इज इक्वल टू वी एक्स यानी 21 मल्टीप्लाई बाय 1.4 पर, और बच्चों आपका x का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 30 मीटर्स। तो देखें हमारा पहला आंसर यही है, x इज इक्वल टू 30 मीटर्स। ये तो सारा वही रिपीट हुआ जो हम पिछले न्यूमेरिकल में करके, x फाइंड करना था, वेलोसिटी दी थी, टाइम नहीं दिया था, टाइम फाइंड करने के लिए हाइट गिवन थी, हाइट हमने फाइंड कर ली, हाइट की मदद से टाइम फाइंड कर लिया, तो ये तो पहला हिस्सा हो गया। अब आती है बात कि विद व्हाट वेलोसिटी, तो उसके लिए वेलोसिटी की इक्वेशन अभी जो मैंने मैग्नीट्यूड की लिखी, वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। तो ध्यान तवज्जो पूरा इधर, इसकी जगह पर 21 लिख सकते हैं, x वेलोसिटी रिमेंस सेम, प्लस यहां पर आके आपने घबराना नहीं है, 9.8 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 1.4 लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर स्केयर अप्लाई करना है। जब आप इस सारे स्केयर रूट को बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25 मीटर्स पर सेकेंड।